सर 21 दिसंबर को अखबारों की रिपोर्ट आई है इनकम टैक्स सबमिट होने के बाद 2015-16 के आयकर रिटर्न से जुड़े डाटा जारी किए गए हैं। उसका क्या निष्कर्ष है? देश में करोड़पतियों की संख्या 23.5% बढ़ी, लेकिन सबसे रिमार्केबल बात सर, इन करोड़पतियों की कुल आय 25% घटी है। ये इस सरकार की उपलब्धि है जिनको ये पता नहीं है सर। मैं कहना चाहूंगा अमीरी घटाई, अमीरों की अमीरी लेकर इस सरकार ने लोगों को देने का काम किया जो इस सरकार ने 1% बढ़ा दिया। ये देश के दुनिया के 5 टॉप इकोनॉमिस्टों ने अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि इस इकोनॉमिक इनइक्विटी का असर ये हुआ है द चिल्ड्रेन हुज पेरेंट्स आर इन द टॉप 1% बाय इनकम आर 10 टाइम्स मोर लाइकली टू बिकम इन्वेंटर्स। यानी अब आइंस्टीन बड़े घरों के लोग पैदा होंगे, ये इन्होंने किया। उसको एक गरीब घर से आए व्यक्ति प्रधानमंत्री ठीक करना चाहते हैं। यू हैव जनरेटेड इन 2014-15 1.15 lakhs ऑफ जॉब्स। इट्स नॉट माई फिगर, इट्स योर फिगर। And 2.3 lakhs job in 2015-16. And 2016-17, there is a marginal increase, I agree. These figures are taken along with the jobless going closure, underemployment, thousands of employment generation has been completely backlogged. Sir, Prime Minister has said, 2 crore jobs we will generate every year. The president of the party is here, Honorable Member Amit Shah. 2 crores, even all the 3.5 years if you put together, you are not able to reach even 50 lakhs. हमारे देश के जो public sector कंपनियां हैं, वो बेची जा रही हैं, सरकारी बड़े-बड़े विभागों को private sector को दिया जा रहा है। आज इससे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण दिया था, आज धीरे धीरे करके उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि आज केंद्र की सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेच रही है, उद्योगपतियों को, सभी को सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। तो जो सरकारी नौकरियों में एस सी एस टी ओबीसी के लोग थे, जब वो रिटायर होंगे तो आने वाली पीढ़ी की फिर नौकरी नहीं लगेगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोगों को, जानबूझ करके उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। श्री प्रफुल्ल पटेल, श्री प्रफुल्ल पटेल, डू यू वांट टू स्पीक? यदि फार्मिंग सेक्टर, वहां पर बहुत बड़ा एक प्रभाव हुआ है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी इस बारे में चिंता जरूर होगी कि फार्मिंग सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग सर, इट इज इनफैक्ट नॉट शोइंग सम डिक्लाइन। ऑल द ग्रोथ विच एवर इज कमिंग फ्रॉम अ फ्यू एरियाज ऑफ द फार्मिंग सेक्टर, देयर नॉट देयर इज नॉट अ यूनिवर्सल ग्रोथ इन द फार्मिंग सेक्टर, एंड दैट आई थिंक इज एक एरिया ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। द रूरल इकोनॉमी ऑल्सो, सरकार की जितनी सारी स्कीमें थी जो ग्रामीण इकोनॉमी में पैसा जाता था, वो पैसा बहुत सारी आपने योजनाओं में कटौती की है, सर्व शिक्षा अभियान से लेकर आईआरडीपी से लेकर अपना आवास की योजना से लेकर कई योजनाओं में आप लोगों ने उसमें कमी करने के वजह से ग्रामीण इकोनॉमी में जो राशि आती थी को कहा। Big matter as far as job creation is concerned, we need to see that though public sector is on decline as far as job opportunities are concerned, but private sector and manufacturing, these are the two where services sector is also there, which give maximum of employment to the people of our country, and these two sectors are being taken care of by the government. Lot of schemes are being evolved, lot of new opportunities are being created so that the employment opportunity would be good enough. So unorganized sector, which is of concern, and that should be the area where government has to pay more attention. More than 1 lakh IT workers in India are expected to lose the jobs in 2017 and 2018 due to the increased automation in IT service. I request the Honorable Finance Minister, our concerned minister and the Government of India to address these three issues.
in the interest of the people of Andhra. Sir, demonetization or GST, ये दोनों इस सरकार के द्वारा लिए गए क्रांतिकारी निर्णय थे. सर, इनिशियली कोई भी जब एक बड़ा कदम उठाया जाता है तो उसकी तकलीफ होती है. सरकार इस चीज को बहुत अच्छे से जानती थी. ऐसा नहीं है कि आज कोई निर्णय को लागू किया तो कल से उसके परिणाम दिखने लग जाएंगे. इनिशियल प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल एंड द गवर्नमेंट, बट फॉर ए बेटर एंड ब्राइट फ्यूचर इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कॉस्ट. Now we are seeing the fruits of it. Few to name are, forex reserves are increased. Stock exchange is seeing substantial increase day by day. Fiscal deficit is reduced than budgeted. Now we are in 2018. There was a global crisis, financial crisis, meltdown. At that time, I remember Dr. Manmohan Singh is sitting here. He was the Prime Minister. Mr. Pranab Mukherjee was Finance Minister. India was not that way affected by that crisis. And both of them claimed it was because our fundamentals were quite strong and we could withstand that crisis. Even at that point of time, we asked, what are those fundamentals? If you claim those fundamentals are strong, what are the fundamentals? If not the public sector undertakings, if not the public sector banks, if not the public sector insurance companies, they are the strength of Indian economy. I consider they are the fundamentals, if you think of our economy. These fundamentals are being weakened now. Sir, as you know, this government likes to break new records. When it comes to unemployment, employment generation in 2015 hit a six-year low. In 2015, in 2016, it hit a seven-year low. And in 2017, it hit an eight-year low. So that is the record of this government. When you actually look at the India Exclusion Report and the Labour Bureau data, you see that employment generation is negative in a majority of the eight sectors which employ the largest number of Indians. Textiles, leather, metals, automobiles, gems and jewelry, transport, IT and handlooms. Only 1.35 lakh jobs were created when more than 1.2 crore people entered the workforce. So, basically the government is in denial. Recently, there was a session at the World Economic Forum's India Economic Summit, and one of our ministers actually made the statement when everyone expressed concern about job losses in the formal sector. He actually said, companies bringing down the employment is a very good sign in fact. Okay, I quote, the country today is seeing more and more young people wanting to be entrepreneurs. If that were the case, that would be wonderful, sir. But look at the entrepreneurship under this government. The Mudra scheme, which they like to tom-tom, that is supposed to give 10 lakhs in loans to every entrepreneur. Instead, the average loan is 44,000. That is less than the median household income. What kind of jobs are you creating with that? So, another big story is the startup mission. So, the local circles media platform conducted a survey of 33,000 startup entrepreneurs. 80% of them said they have not been. पिछले साढ़े तीन चार साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने अर्थव्यवस्था के संबंध में जो निर्णय प्रक्रिया है जनता के हित में हो, अर्थव्यवस्था के हित में हो और उसकी एक विश्वसनीयता बने, इसके लिए अनेकों कदम उठाए. आज आपने न्यू सीरीज जीडीपी की जिक्र किया, लेकिन ये न्यू सीरीज जब लागू हुआ तो कोई 2014-15 से लागू नहीं हुआ, 11-12 से लागू हुआ. और आपके सरकार के भी जो आखिरी तीन साल थे उसी रिवाइज्ड सीरीज के हिसाब से, और रिवाइज्ड सीरीज के पीछे ये उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था का चरित्र बदला है, उसमें काफी आइटम्स और विषय आए थे, और इसलिए जो वास्तविकता अर्थव्यवस्था की है वो उस जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो जाए. और आपका अनुभव भी आपको बताएगा कि अक्सर सरकारें, और मैं मानता हूं आपकी सरकार में भी यह रहा होगा, कि जो संस्थाएं इसको मेजर करती हैं, सीएसओ वगैरह, सरकार
सरकार का अंग होती है लेकिन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस उसे रखता है और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को भी अंतिम समय पर ही पता चलता है कि इस बार का डेटा क्या है। फिर उसके साथ छेड़छाड़ कभी आपने की हो या कभी हमने की हो मेरी जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। जिस तरह का फिस्कल प्रूडेंस फिस्कल डिसिप्लिन उसका उदाहरण भी दिया है और एक स्वाभाविक है इसलिए जो बाजार है उस फिस्कल डिसिप्लिन को वो रिवॉर्ड करते हैं उस विश्वसनीयता का असर भी पड़ा है। ये वो तीन साढ़े तीन चार साल थे जिसमें दो साल देश के अंदर सूखा भी था दुनिया की ग्रोथ नीचे जा रही थी एक चौथे वर्ष में थोड़ी सी पिकअप करनी शुरू की है 3.6% ग्लोबल ग्रोथ इस बार उम्मीद की जा रही है और इस स्टेज पे अर्थव्यवस्था के अंदर बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना मैं अगर एक शिकायत करूं आपसे कि इनमें से कई ऐसे थे जो आपने भी प्रयास किए थे किसी कारणवश नहीं हो पाए कि इन सब की वजह से जो विश्वसनीयता वापस आई है कि आज अगर 13-14 साल के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को अपग्रेड मिलता है और ये इतने सरल नहीं होते आप तो फ्रेजाइल 5 के अंदर हिंदुस्तान को छोड़ के गए थे ये फ्रेज यूज हुआ था भारत के लिए उस वक्त तो चिंता नहीं थी और फ्रेजाइल 5 से अगर अपग्रेड मिलता है अर्थव्यवस्था को तो शायद कोई अच्छे काम देश में हुए होंगे तो ये अपग्रेड मिला है। सरकार का जो निवेश है इस साल बजट में ही केवल 3.96 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई सोशल सेक्टर ऐसा नहीं जिसपे कम किया कि केवल मनरेगा का आप उदाहरण दे रहे थे फूड के ऊपर 1.45 लाख करोड़ कानून आप लाए थे इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और इसका बहुत असर पड़ता है अर्थव्यवस्था के ऊपर 9% 10% 11% तक भी गई थी आपके अंतिम वर्षों में। आज हमारी सरकार के पीक पीरियड की इन्फ्लेशन है जो 4% से ऊपर गई है। इस अवधि काल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीमी थी हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और ये जो 7-8% की ग्रोथ रेट आई 7.5-8% की उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट का रोल था और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दुनिया में हम सबसे बड़े रिसिपिएंट बन गए। इस साल भी पहले दो क्वार्टर्स की हम देख ले तो 37 बिलियन के करीब बन गई और इसलिए ये दोनों मिलाकर और अब तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के भी संकेत आरंभिक आने अपने आप में आरंभ शुरू हुए हैं। इस परिस्थिति में सरकार की योजनाओं का इस देश के अंदर बहुत ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट डेटा आता है हर बार ऐसी स्थिति नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज होता है लेकिन इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपनी योजनाएं भी उसी दृष्टि से बनाई थी। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप लोग बात करें एक स्थिति बन गई थी कि किस स्थिति में उसको छोड़ के गए हाईवे सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर था हाईवे सेक्टर में यह स्थिति थी कि टेंडर दीजिए और कोई टेंडर का जवाब देने को तैयार नहीं था। उस सेक्टर को दोबारा से भूमि आज 255 हाईवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। जितने कदम हम लोगों ने उठाए हैं उनमें कई कदम ऐसे थे जिसकी शॉर्ट टर्म में हम लोगों को कीमत देनी पड़ी लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में उनका असर इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर देखने को मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां ये याद रखेंगे कि इन कदमों से एक नया आर्थिक इतिहास